हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गीतकार और संगीतकार पीएम शाह। जैसा मैंने टाइटल में लिखा है कि ये गीत मैंने लता दीदी के लिए लिखा था। ऐसे बहुत से शायर हैं, गीत संगीत के गवालकार हैं जो गाने लिखे लता दीदी के लिए, लेकिन वो उनसे गवाने का कभी मौका नहीं मिला। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और आज हमारे लिए दुख का दिन है, क्योंकि जिनको सुन के हम बड़े हुए, गीतकार बने, संगीतकार बने, तो वो लता दीदी आज हमारे बीच में नहीं है। और इसके लिए पूरा देश सदमे में है और हम इस गम में उनके पूरे परिवार के साथ में शरीक हैं। उनके दुख सुख में हमेशा उनका साथ देंगे और उनको ये इस वीडियो के ज़रिए मैसेज देना चाहते हैं कि वो सब्र करें। तो जिस इंसान ने दुनिया पे आना है उसने जाना भी है, जो इंसान आया वो जाएगा। और हमको सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जिस अल्लाह से भागते हैं उसी के पास जाना पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, वहाँ से कोई भाग नहीं सकता है, क्योंकि वो चारों तरफ से हर इंसान और जिन्नात को घेरे हुए हैं। तो इस बात की हमको तैयारी करनी चाहिए कि हमको उसके मुंह लगना है और उसके लिए हमने क्या किया। हमारे सामने अगर कोई मर जाता तो हम सोचते वो तो वो था जो मर गया, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, यही सोचते सोचते हमारी भी पूरी उम्र निकल जाती है और फिर अचानक मौत आ जाती है और फिर कोई रास्ता नहीं होता बचने का। तो जैसे वीडियो के टाइटल में मैंने लिखा था कि ये गीत मैंने दीदी के लिए लिखा, तो आइए आप उसको मैं दो लाइन आपको गा के सुनाता हूँ। मैं अभी बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको गा के सुनाता हूँ एक मुखड़ा, और ये गाना मैं बहुत जल्दी म्यूज़िक में रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हम तो उनसे दूर थे जब वो थे पंछी आज़ाद, हम तो उनसे दूर थे जब वो थे पंछी आज़ाद, प्यार भी हुआ उनसे किसी का बन जाने के बाद, प्यार भी हुआ उनसे किसी का बन जाने के बाद। हम तो उनसे दूर थे जब वो थे पंछी आज़ाद, प्यार भी हुआ उनसे किसी का बन जाने के बाद, प्यार भी हुआ उनसे किसी का बन जाने के बाद।